तो दोस्तों एक बार फिर आ चुका हूँ मैं आपके लिए 2021 में गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेके। इस बार जो गवर्नमेंट जॉब निकली है वो निकली है आपके FCI के अंदर, यस, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब निकली है। और सबसे अच्छी बात ये ऑल ओवर इंडिया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इस जॉब में क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, क्या मिनिमम एज है, क्या मैक्सिमम एज है, क्या सैलरी पैकेज रहेगा और कितना फॉर्म की फीस है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो वेलकम बैक टू गवर्नमेंट JVR, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी डिटेल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो निकली है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। यस, 89 वैकेंसी है जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में निकली है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि आपकी जॉब किस ग्रेड पे के अंदर होगी, तो सेकेंड ग्रेड पे होगा, जहाँ पे आपकी एवरेज सैलरी अगर काउंट होती है तो अप्रोक्स 55,000 या 60,000 पर मंथ होती है। तो काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक गवर्नमेंट जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो 60,000 रुपये आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके फॉर्म की। तो यहाँ पे इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो लास्ट डेट है वो है 30 मार्च को। मतलब अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो आपको 30 तारीख से पहले फॉर्म को फिल कर देना है। फॉर्म फिल के लिए तो बात कर लेते हैं फॉर्म क्या फीस कितनी होगी। तो यहाँ पे जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये इसकी फीस रहेगी, जो अदर कास्ट होगी SC ST उन सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डेफिनेटली इस चीज़ का आप फायदा उठाइए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले कैंडिडेट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट भरिए। अगर आप जनरल एंड OBC से भी बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको 1,000 रुपये पे करके इस जॉब को भरना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया सेकेंड ग्रेड की ये जॉब है, तो काफ़ी रेपुटेटेड जॉब रहती है, एक मैनेजर लेवल की आपकी जॉब रहती है। बात करें लोकेशन की, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया ऑल ओवर इंडिया है। आप इंडिया के किसी भी कोने से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, विलेज से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको कैसे करना है, आपको ऑनलाइन जाके फॉर्म फिल करना है। अब ऑनलाइन फॉर्म कहाँ मिलेगा, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और जो हमारा फर्स्ट कमेंट है वहां पर आपको URL लिंक मिलेगा, जस्ट आपको वहां पे क्लिक करना है, आप वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, बताने वाला हूँ, वो आप सारी वहां पे देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा, तो मेक श्योर फॉर्म फिल करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ें। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और एट द टाइम आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो एक आपकी फोटोग्राफ, एक आपका यहाँ पे सिग्नेचर, थर्ड आपका यहाँ पे लेफ्ट थंब एंड फोर्थ वन एक रिटर्न डिक्लेरेशन। यस, ये चारों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ द फॉर्म फिलिंग, क्योंकि इन चारों चीज़ों की आपको नीड रहेगी। सिग्नेचर आपको पता ही है, आपको सिग्नेचर करके उसको स्कैन करवा के रखना है, फोटो के साथ भी फोटो खिंचवा के एक स्कैन करवा के रखनी है, लेफ्ट थंब भी आपको एक प्रिंट करके उसको स्कैन करवा के रखना है। और व्हाट इज द हैंड रिटन डिक्लेरेशन, यस ये थोड़ा सा नया होगा बहुत सारे कैंडिडेट के लिए, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो वहाँ पे क्लियरली कुछ लाइनें लिखी होंगी, वो लाइनें आपको अपनी हैंडराइटिंग में लिखनी है, अपना नेम लिखना है, अपने सिग्नेचर करने है, उस पर्टिकुलर चीज़ को भी आपको सबमिट करना है। तो ये छोटा सा ही पार्ट होता है डिक्लेरेशन का, तो मेक श्योर कि आपको वो भी यहाँ पे चाहिए रहेगा, तो आप उसे कंप्लीट करें। अब बात कर लेते हैं एग्जाम आपका किस पैटर्न में रहेगा। तो जो आपका एग्जाम है उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी टेंटेटिव डेट रहेगी जुलाई। यस, तो मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन जुलाई से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहाँ पे आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल सेट टेस्ट होगा, यस, जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में आपकी ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है और आपकी क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जॉब चाहते हैं, तो अब एक बार उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 9 जोन के अंदर निकली है 187 पोस्ट। यहाँ पे सारी पोजीशन आपके मैनेजर लेवल पे रहेगी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर। तो पहला डिपार्टमेंट है आपका जर्नल, जिसके अंदर 8 पोस्ट है। दूसरा डिपार्टमेंट आपका रहेगा डिपोर्ट का, 46 पोस्ट के साथ। तीसरा आपका रहेगा मूवमेंट का, जिसके अंदर 12 पोस्ट है। फोर्थ वन आपका अकाउंट डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर 68 पोस्ट है। टेक्निकल में आपकी 44 पोस्ट है और सिविल इंजीनियर में आपकी 4 पोस्ट है। अब अगर हम ईस्ट जोन की बात करें तो यहाँ पे भी सेम सारी पोस्ट मैनेजर लेवल पे है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एड ऑन किया गया है जो कि हिंदी का है, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। सेम वेस्ट जोन की तरफ जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 15 है। सारी पोस्ट मैनेजर लेवल पे है और यहाँ पे आपका टेक्निकल और हिंदी के अंदर 1-1 पोस्ट है। जर्नल के अंदर 1 है, डिपोर्ट के अंदर 4 है, मूवमेंट के अंदर 1 और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर 7 पोस्ट है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ साउथ जोन की, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 65 है।
आपकी सभी जॉब्स यहाँ पे मैनेजर लेवल की है, जनरल में आपकी 9 है, डिपार्ट में 6, मूवमेंट में आपकी 19 है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपकी 30 है और हिंदी डिपार्टमेंट में आपकी 1 है। नॉर्थ ईस्ट जोन में जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 26 है, सभी यहाँ पे मैनेजर लेवल की हैं, चूंकि ग्रेड सेकंड की जॉब है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे पहला आपका डिपार्टमेंट है जर्नल, जिसके अंदर पोस्ट हैं 2, सेकंड है आपका डिपोर्ट, जिसके अंदर 11 पोस्ट हैं, अकाउंट के अंदर 7 पोस्ट हैं, टेक्निकल के अंदर 3 और सिविल इंजीनियर के लिए 3। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, मैनेजर लेवल की जॉब है चूंकि ग्रेड सेकंड की जॉब है और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे आपके हिंदी, आपका टेक्निकल, आपका अकाउंट। तो मेक श्योर जो आपकी ग्रेजुएशन है या जो भी आपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग कोर्स किया हुआ है वो कोर्स एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज है, तो डेफिनेटली आप उसके बेस पे इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पे रेलिवेंट कोर्स से रिलेटेड कंप्लीट होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आप मेरे से कुछ पूछना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स के साथ। सो बाय बाय।